गाइस देखो यहाँ पे, गाइस देखो कितने, वो देखो यहाँ पे कितने हिरन गाइस। तो यहाँ पे देखो गाइस, जानवर अभी से आने शुरू हो गए 5 बजे, तभी यहाँ पे कॉर्बेट में रोका गया। टाइगर अटैक और क्या आप क्या कर रहे हैं? टाइगर अटैक हुआ था तो कहीं पर गाड़ी से मतलब निकलना बाहर रहा हूँ बस यहाँ से आगे से चलाने। 10 टाइगर अभी यही लोकल में घूम रहे। तो ये जहाँ पे पुल है देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सावधान बाघ प्रतिबंधित क्षेत्र, कृपया वाहन ना रोकें। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होगा। तो गाइस आज हम जा रहे हैं ऐसी लोकेशन पे यार, टाइगर हंटिंग लोकेशन पे, जहाँ पे आपने सुना भी होगा कि इस टाइम पे भी बहुत वहाँ पे खतरनाक सीन भी चल रहा है। कि सीन क्या चल रहा है कि वहाँ पे एक टाइगर ने एक आदमी को मार दिया। तो हम वही लोकेशन देखने जा रहे हैं और अभी हम पहुंचे कॉर्बेट नेशनल पार्क से थोड़ा ही पहले। यहाँ पे कॉर्बेट सी बहुत सी चीज़ें पड़ती है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यहाँ पे कॉर्बेट म्यूजियम है और कॉर्बेट फॉल भी है। तो अभी हम पहुँचे कॉर्बेट, यहाँ पे कॉर्बेट म्यूजियम में पहुँचे और ये सामने हमारे कॉर्बेट म्यूजियम है। कुछ आपको मैं दिखाता हूँ, ये लोकेशन है यहाँ पे कॉर्बेट म्यूजियम की, ये सामने है यहाँ पे ऐसी कुछ लोकेशन है कॉर्बेट म्यूजियम की, आप देख लीजिए। और सामने यहाँ पे बोर्ड भी लगा है, कॉर्बेट के बारे में सब कुछ दर्शाया गया, सब कुछ बताया गया कि कॉर्बेट में क्या था क्या नहीं है। और वो सामने है यहाँ पे कॉर्बेट का, यहाँ पे बताया गया। और यहाँ पे जो इसकी एंट्री फीस है वो 10 रुपये है और 50 रुपये एंट्री फीस है। तो मैंने सोचा ये चीज़ भी आपको दिखा। और अभी ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन है सामने नैनीताल रोड, यहाँ पे से नैनीताल हाईवे रोड है, ये ऊपर को यहाँ से नैनीताल जाते हैं इधर से हल्द्वानी की तरफ को, और ये रामनगर रोड है जो यहाँ पे से सामने है। और हम जो साथ में जा रहे हैं, 3 लोग जा रहे हैं, तो हमने सोचा यार देख के आते हैं वहाँ पे कि कैसा अटैक हुआ था, क्या हुआ था, कि सुनने में आया था वहाँ पे एक दोस्त है तो वो मुझे बता रहा था कि यहाँ पे ऐसी ऐसी बात हुई थी। और वो हमें वही लोकेशन पे ले जाएगा जहाँ पे टाइगर ने अटैक किया था। तो आपको भी दिखाऊंगा वो लोकेशन और वहाँ पे वो जंगल में लेकर आपको भी लेकर चलेंगे, बिल्कुल लाइव ग्राउंड लेवल लोकेशन में आपको दिखाएंगे अभी कैसा क्या हुआ था, सारी डिस्क्राइब करेंगे आपको वो चीज़ें। फिलहाल बिना देरी करे हुए निकलते हैं वहाँ पे। और साथ में हमारे जीवंदा बने और अपने रोशन भाई बने, तो रोशन भाई भी साथ में चलते हैं हमारे साथ, आपने दिखाई है हर बार, तो इनका भी मूड था कि देख के आते हैं जंगल सफारी करके आते हैं। और जंगल में कौन कौन से हमें शेर बाघ क्या क्या दिखते हैं सब आप लोगों को आज दिखाना है कि क्या क्या है, मैटर कैसा है वहाँ का, सब आपको इसमें लाइव दिखाया जाएगा। और सारी जो चीज होगी सब रियल चीजें होंगी, सही बात है। हम गाड़ी से जा रहे हैं क्योंकि यार गाइस ऐसी लोकेशन पे ना गाड़ी ही कंपलसरी है, गाड़ी से जाना ही जरूरी है, ऐसे बाइक वाइक से जाना थोड़ा रिस्की होता है। तो इसलिए हमने सोचा क्योंकि और टाइम भी अभी यहाँ पे जो हो चुका है 4 बज चुका है, तो पता नहीं कितना लेट गए, आते समय अंधेरा हो जाए क्या हो जाएगी, और जंगली जानवर का मामला है। तो तब हमने सोचा अपनी गाड़ी समझा, गाड़ी से निकले। और आप लोग भी अगर आए तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि गाड़ी से निकलें आप। फिलहाल हम बिना देरी करे हुए निकलते हैं आगे को और आपसे मिलते हैं आगे जाके कहीं पे दूसरी लोकेशन पे, कॉर्बेट फॉल पे। फाइनली गाइस मैं और जीवंदा पहुंच चुके हैं अब जो सेकंड लोकेशन है हमारी कॉर्बेट फॉल, और ये है यहाँ से कॉर्बेट फॉल 2 किलोमीटर अंदर जाके। तो यहाँ से कुछ ऐसी लोकेशन है, देख लीजिए अभी कॉर्बेट। और यहाँ पे देखिए गाइस यहाँ पे बोर्ड भी लगा है कॉर्बेट नेशनल पार्क का, जिसका है एंट्री टिकट 1500 रुपये। फिलहाल मैं आपको भी कॉर्बेट फॉल का लेकर चलता हूँ जो यहाँ से अंदर को है कॉर्बेट फॉल की, आप देख लीजिए लोकेशन जो है कुछ ऐसी है। यहाँ पे आपको रास्ते में अगर आप अंदर आएंगे इस रोड में चलेंगे तो आपको दूसरा जो पॉइंट मिलेगा वो है कॉर्बेट फॉल का, और यहीं पर से टिकट लेना है। और इसमें देख लीजिए आप जो टिकट का चार्जेस है 50 रुपये है। और बाकी कुछ ऐसी लोकेशन है अंदर जाने की यहाँ से, और यहाँ से कम 2 किलोमीटर अंदर जाके एक प्यारी सी लोकेशन है वाटरफॉल, जो कि कॉर्बेट फॉल कहलाता है। यहाँ से अंदर जा सकते हैं और यहाँ से गाड़ियाँ जाती है 2 किलोमीटर अंदर तक। और कुछ ऐसी लोकेशन है यहाँ पे देख लीजिए कुछ प्यारी सी, और यहीं से सामने एक वहाँ पे हाथी भी है आर्टिफिशियल, और ये हमारी यहाँ पे गार्ड वार्ड लोग मना भी कर रहे हैं आगे अंदर जाने के बिना टिकट, क्योंकि हमारे पास टिकट है नहीं तो हम अंदर नहीं चलते हैं। फिलहाल हम अभी बाद में कभी लोकेशन दिखाएंगे आपको, फिलहाल हम यहाँ से सीधे अंदर बाहर को चलते हैं और अपनी जो हमें जाना है जहाँ अटैक हुआ था वही लोकेशन में चलते हैं, मोहन वाली लोकेशन में आपको वहाँ पे लेके चलते हैं। तो दोबारा निकलते हैं आगे और अब देखिए यहाँ पे की लोकेशन कुछ ऐसी है। यहाँ से कितना किलोमीटर होगा यहाँ से नेशनल 44 किलोमीटर दिखा रहा था ना, 50 किलोमीटर जाना है अभी हमें 50। मोहन में तो मोहन जाना है जहाँ पे अटैक हुआ था, वो तो बहुत दूर है मोहन तो वही तो है जहाँ पे अटैक हुआ था, वो रामनगर से निकलते कितना है 5-6 किलोमीटर आगे था, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर। तो गाइस आपको वहीं लेके चलते हैं और फिलहाल आप रास्ता एंजॉय कीजिए। यहाँ पे लिखा है कॉर्बेट टाइगर। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, देख लीजिए आप आम धंधा गेट, धनगढ़ी गेट, दुर्गा देवी गेट, और यहाँ पे से गेट वेट सब है ये। और मैं देखो अब गेटअप में भी आ गया हूँ बिल्कुल फॉरेस्ट वाले में, क्योंकि भैया फॉरेस्ट के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो ऐसी कुछ रूप में चलना पड़ेगा लुक में, ताकि अलग ही हम लगे यहाँ पे। फिलहाल देख लीजिए यहीं से अंदर वो गेट है, लिखा भी यहाँ पे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रामनगर। यहाँ से भी है मतलब सफारी बहुत सी जगह से है ना गाइस,
एक यहाँ पे से है और आगे से भी है। फिलहाल देख लीजिए इसमें सब कुछ लिखा है, यहाँ पे जितने तारीख से खुला है क्या है, यहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है इस गेट की। बाकी जो और गेट है वो भी आगे जाके हैं, वो भी आपको दिखाए जाएंगे उन गेटों को भी। फिलहाल यहाँ पे का जो सीन है कुछ ऐसा, यहीं से आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी, आप यहीं से बुक कर सकते हो सारी गाड़ियाँ। और ये बंदर यहाँ पे बिल्कुल छलांग वलांग मार रहा है। इसी से आगे को अभी मैं चलना है उस लोकेशन पे, जो लोकेशन थी डेंजर वाली जहाँ पे हुआ था एक आतंक। फिलहाल वहाँ पर लोकेशन पे भी दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए दूरबीन ले चुके हैं यहाँ पे, तो पूरी तैयारी से जा रहे हैं, पूरे उसमें दिखाएंगे जैसा भी होगा। फिलहाल कैसा दिख रहा है, दिख रहा सब कुछ क्लियर है भैया? आप यहीं रहते हो क्या? तो भैया यहाँ पे यार एक बार बीच में अटैक भी होता, कितना आ गए यहाँ से? धनगढ़ी गेट है। अच्छा अच्छा, और यहाँ पे टाइगर वाइगर का क्या हिसाब है यार? टाइगर है, सफारी का दिख जाता है यहाँ पे? दिख जाता है सर, ज्यादा डिकाला में दिखता है सर। डिकाला ये कौन सी जोन है? ये बिजरानी जोन है सर। अच्छा, इसमें ज्यादा नहीं है? नहीं है। अच्छा, इसमें भी है? हाँ। तो क्या है यहाँ पे का कुछ प्राइस वाइज? सेम ही है सर। तो क्या है यहाँ का प्राइस वाइज क्या भैया? 224 टाइगर है सर टोटल कुल मिला के। अच्छा, पूरे एरिया में? पूरे एरिया में सर। यहाँ का क्या है भैया, यहाँ का प्राइस क्या है अंदर सफारी का? प्राइस यहाँ का, हाँ प्राइस मात्र 7,000। 7,000 रुपए? तो पूरी गाड़ी जाएगी ना 7,000 में? मतलब अगर जैसे गाड़ी में चार पांच लोग जाएंगे तो 1500-1500 रुपए पर हेड पड़ जाएगा ना? अच्छा, ठीक है। फिलहाल यार इसका तो कभी देखेंगे यहाँ पे वाले जोन का। फिलहाल भैया बता रहे हैं गाइड भी जाता है सर। अच्छा, गाइड भी जाएगा उसमें आपके साथ? गाइड को देने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा, वो आपको पूरी नॉलेज देगा ना। फिलहाल गाइस याले गेट में भी देखेंगे बाद में। फिलहाल जो मेन गेट है डिकाला वाला, उस गेट में देखते हैं क्या सीन होता है। और फिलहाल चल रहा उसमें दूर से दिखेंगे यार, तो अपनी आँख यार उसे देख तो ले। आगे चले फिर आगे वाले गेट में। सावधान, तो भैया यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फिलहाल देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। दिख रहा है कुछ नहीं है, बात तो सुनो वो गाय भाई है मेरे ख्याल से। गाय भाई होगी तो गाय भाई खड़ी है यहाँ पे, तो गाय भाई है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ गाय है? गाइस देखो यहाँ पे, गाइस देखो, गाइस देखो कितने, वो देखो यहाँ पे कितने हिरन गाइस। तो यहाँ पे देखो गाइस, जानवर अभी से आने शुरू हो गए 5 बजे, तभी यहाँ पे कॉर्बेट में रोका गया कि जानवर ना निकले, लोग ना निकले गाड़ी से बाहर। देखो गाइस, फिलहाल ये भाग गया, देखो दिन में तो ऐसे होती है, कमी है, पर फिलहाल भाई यहाँ पे तो सुनसान रोड थी ना इसलिए दिख गया, क्यों उतना यहाँ पे ट्रैफिक नहीं था इसलिए दिख गया। दिन में कोई दिक्कत नहीं है वैसे ना, वहाँ पे तो ऐसा था भाग के कहीं जा रहा था, तो हमें तो उतरे नहीं गाड़ी से, उतरने में तो दिक्कत ही थी। और एक तो रोड भी बहुत सुनसान है ना वाली, कम से कम 5-6 किलोमीटर का ट्रैक ऐसा है कि बिल्कुल सुनसान वाला है वो। बाकी फिर इसके बाद दोबारा स्टार्ट है वही जर्नी, तो वो आपको दिखाते हैं आगे से। फिलहाल गिरन भाग चुका है अंदर को गाइस, तो भैया हमारे जानवर कॉर्बेट में है आप समझ सकते हो। फिलहाल वहाँ से छोटा जानवर कोई आगे बड़ा दिखे तो कुछ और ही लेवल में मजा आएगा। फिलहाल देखते हैं अगर कोई बड़ा जानवर और दिखता आगे तो। फाइनली गाइस हम चलते हुए जा रहे हैं यहाँ से जंगल के रास्ते में, और आगे का हमें यहाँ पे टेम्पो मिला है। टेम्पो में क्या लिखा है? मे आई हेल्प यू। तो देखिए आप यहाँ पे लिखा है मे आई हेल्प यू, तो भैया से हेल्प ले लेते हैं कुछ। असल में लगाओ जरा भैया के पास गाड़ी में, भैया से हेल्प ले लेते हैं। देखिए गाइस ने मे आई हेल्प लिया, तो देखते भैया हेल्प क्या करते हैं, अच्छी हेल्प जो भैया हमारी कर दें, जिसकी हमें जरूरत भी है जी अंदर। फिलहाल हमें जरूरत भी है उसकी, देखते हैं बेटे भैया मैं आई हेल्प यू कहने के बाद भी देखते हैं जा रहे हैं इनका मैटर क्या, हेल्प करने के साथ नहीं जा रहे हैं लग रहा मुझे, हेल्प वाली लोकेशन पे जा रहे हैं लग रहा मुझे। फिलहाल रोशन भाई इनको कैच नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, गाड़ी और वैसे भी कॉर्बेट का हिसाब है भैया, यहाँ पे कॉर्बेट के जंगलों में हम घूम रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा, और रोड खाली है तो भैया वो भी भगाए फिर रहा है, तो फिलहाल आप कैच कर लेंगे इनको। भैया भैया हेलो, वो टीपे टेम्पो में क्या लिखा पीछे, टेम्पो में क्या लिखा है पीछे, हेल्प करोगे क्या? उस क्या हुआ उसका मतलब कर दो यार भैया, 2,000 रुपए की मदद कर दो। भैया बैंक में मिलेंगे यहाँ पे फिलहाल यार। तो जरा बगल में भैया से पूछे क्या हुआ, नहीं हो पा रही है हेल्प। भैया हेलो भैया, नहीं हो पाएगी क्या हेल्प यार, हेल्प नहीं कर पाओगे क्या? ओके ओके, फिलहाल आपका दिल बहुत बड़ा है। और फिलहाल देख लीजिए आप यहाँ पे, अब थोड़ा गांव टाइप का आया, इसके बाद फिर आगे हमें जाना है अभी।
इससे पहले काइंड होते होते बचे, फिर अभी आगे चल रहे हैं, फिर देखना क्या दिखता है। फिर आपको वो लोकेशन तो जरूर दिखाएंगे हम जहाँ पे अटैक हुआ था। फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे मोहन पे, और यहाँ से मोहन मात्र 7 किलोमीटर है, और यार यहीं कहीं पे वो अटैक हुआ था, इससे बस थोड़ा बहुत आगे है अटैक। और बाकी दिखाते हैं यार वो जोन पे, थोड़ा यहाँ पे रुके थे, थोड़ा यहाँ पे रुकते करके देखते हैं क्या हुआ था मैटर। फिलहाल अब यहाँ पे देख लो घना जंगल गाइज यहाँ पे, फिलहाल तो यहाँ पे भाई भी आ गया है यहाँ पे बॉल वॉल पकड़ के। भैया कुछ नहीं यार, है टाइगर अटैक हो गया, आप क्या कर रहे हो? टाइगर अटैक हुआ था यार भैया, कहाँ पे हुआ था टाइगर अटैक यार? हुआ था, आप ऐसे मत घूमे, ऐसा अलाउड नहीं है इधर, अलाउ भी नहीं है, मना कर रखा है। मतलब वो तो शाम को अलाउ नहीं होगा, शाम को नहीं, वो 24 घंटे इधर ही चल रहा है। अच्छा कौन सी वाली लोकेशन यहीं पे हुआ था क्या? कितना आगे हुआ था यहाँ से? थोड़ा सा आगे हुआ था ना, हुआ था थोड़ा, 1 किलोमीटर आगे, 1 किलोमीटर आगे, वही रेंज पे आया पूरा, वही रेंज पे। तो आपको आपने देखा था वहाँ पे जिस टाइम पे मतलब हुआ था, उससे 1-2 दिन बाद देखा होगा ना आपने? गाँव में भी घूम रहे हैं, तुम तो रात में निकल ही नहीं रहोगे फिर हैं? शाम को नहीं निकलना, नहीं निकलते हो ना? कितने बजे बंद हो जाते हैं? हम तो 5-6 बजे से बंद हो जाता है ना मामला है। और यहाँ से 1-1 किलोमीटर आगे जहाँ पे हुआ था उस दिन वो एक्सीडेंट, 1 किलोमीटर आगे। अच्छा यहाँ से लेकर 7 किलोमीटर अलाउ नहीं रुकने के। अच्छा कहीं पर गाड़ी से मतलब निकलना बाहर अलाउ नहीं है, बस यहाँ से आगे से चलान हो जाता है। अरे बिकट मतलब खतरनाक ही रॉब, मतलब उसने गाँव पे मतलब खतरनाक दहशत दे दिया। बहुत तगड़ा ये है। हाँ एक पकड़ा भी गया उसमें, वो जो बागिन पकड़ी गई थी वो पकड़ी गई है ना अभी, पकड़ाई है एक और। अच्छा अभी एक और घूम रहा है यहाँ पे, बहुत तगड़ा आतंक फैला रहा है उसने। अच्छा बाघ भी है, बागिन भी है। अच्छा बागिन पकड़ी गई, बाघ बचा ना टोटल 10 टाइगर है, 10 टाइगर अभी यही लोकल में घूम रहे। तो गाइस ये बड़ा डेंजर एरिया यार भैया, यहाँ से आगे कोई निकलना है फायदा, यहाँ पर रुकना बेकार ही है भैया, हैं? थैंक यू यार थोड़ा बताने के लिए यार हमें, और थोड़ा हम आगे चल के देखते हैं, फिलहाल थोड़ा देख लेंगे जो हुआ। बिल्कुल बिल्कुल भाई दोस्तों, गाइस यार अभी हम आगे निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं कि क्या सीन होता है। फिलहाल इससे आगे जाना तो मुझे डर ही लग रहा है क्योंकि यार एक खतरनाक ही माहौल है यहाँ का, देखो आप। तो देखते हैं भाई, लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पे रुकना बेकार है, पर फिलहाल हम आगे जाके देखते हैं वो मेन लोकेशन की जहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ था और जो भी हुआ था। फिलहाल आगे चल रहे हैं, आप आगे जाके मिलते हैं। और भाई लोग देखो यहाँ पे भीड़ कैसी इकट्ठा हो गई इनकी, बाकी सब भाई लोग यहाँ इधर साइड आ गए। भाई किस किसने देखा सर, कुत्ता किसका ले गया था? सही में ले गया था कुत्ता घर से, यहीं पे से? अच्छा भाई यहाँ से कुत्ता उत्ता भी उठा के ले आ रहे, तो इंसान तो कुछ भी नहीं है उसके लिए, जब कुत्ता ले आ रहा तो कुत्ता जब इतना तेज भाग सकता, हम तो कुछ भाग भी नहीं पाएंगे। ठीक है फिर भाई लोगों, मिलते हैं, धन्यवाद आपका, ओके भाई, ओके ओके। तो फिलहाल गाइस हम निकलते हैं आगे को, दोबारा से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का। भाई लोगों ने मना कर दिया कि यहाँ पर उतरना भी मना है, फिलहाल देखते हैं हम अपने रिस्क में उतरेंगे जो उतरेंगे। हैं रोशन भाई यार, फिलहाल चलते हैं और आगे आपको लोकेशन पे लेके चलते हैं, मेन लोकेशन पे जहाँ पे हमला हुआ था। ये जहाँ पे पुल है पुल के पीछे साइड वहाँ पे कर रहा था वो, पेशाब कर रहा था आदमी। अच्छा उतर के गया होगा वहाँ पे, अच्छा तो उसके पीछे वहीं से ले गया होगा ना वो, इसके पीछे। वैसे मेन रोड में थोड़ा आता होगा, मेन रोड आ जाता है, आ जाता है। हाँ वैसे यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ पे उतरना बेकार है, क्यों? इधर उतरना भी बेकार है। अच्छा अकेले में उतरना भी नहीं। अच्छा यहाँ पे है मतलब अभी भी होगा यहाँ कहीं ना कहीं है, अभी होगा कहीं, इस एरिया में घूमते रहता हो, घूमता रहता हो तो आदमखोर बन गया, आदमखोर बन गया। ठीक है अंकल, ठीक है, थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहीं पे वो कांड हुआ था, और ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सावधान बाघ प्रतिबंधित क्षेत्र, कृपया वाहन ना रोकें। और यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन भी लगाई गई है, और ये जो पुल है ना इसके पीछे ही वो कांड हुआ था सामने, और यहाँ पे देख के आप लग ही रहा होगा आपको कि कैसा क्षेत्र है। फिलहाल ये शाम के टाइम पे तो यहाँ पर रुकना बिल्कुल ही डेंजर से कम नहीं है शाम के टाइम पे, और वो यहीं कहीं बाथरूम करने के लिए आदमी रुका था इस रोखड़ के पीछे, और जस्ट यहीं से वो पीछे को ले गया उसको खींच के पूरा अपने संग बाघ। बाकी मैं आपको और पास लेके दिखाता हूँ यार, बस मुझे भी डर टाइप का लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यार ऐसी लोकेशन पे यहाँ पे देखो सब शीशे बंद करके चल रहे हैं गाड़ियों में, ये देखिए सारी गाड़ियों में शीशे बंद करके जा रहे हैं लोग यहाँ पे, और ना यहाँ पे गाड़ी चल रही ना कुछ चल रही है। और ये इस पुल जो है ना, जस्ट पुल के पीछे हुआ था कांड, और देखो ये पेड़ है ना यहीं से ले गया था वो बेचारा, यहीं से बाइक इसके गाड़ी के टायर के निशान भी आप देखें यहाँ पे, यहीं से गया था वो आदमी उधर को, और वहीं से उधर को खींच के ले गया पूरा। और उधर साइड से गाइस आवाज़ टाइप की भी आ रही है, कुछ आवाज़ें तो आ रही हैं, अब पता नहीं वो यार हमें तो यहाँ पे कुछ पता भी नहीं कि किसकी आवाज़ है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे गाइड वाइड को तो समझ में आता नहीं कि वो कॉल जो होती है उनकी टाइगर होगी या जानवर, जब कोई टाइगर यहाँ पे होगा तो उसकी आवाज़ों से पता लग जाता है कि वो कैसा सीन है क्या है। फिलहाल हमें तो यहाँ पे ऐसी कोई आवाज़ पता नहीं चल रही, बट फिलहाल हमें डर टाइप का भी लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि गाइस यहाँ पे देखो जंगल देखो ना कैसा घना जंगल है, और वो भी अभी वो अंकल ने बताया था कि यहाँ पे आदमखोर हो गया, उसके मुँह में खून लग गया, तो अब वो इंसानों पर ही झपटता है, ऐसे हर किसी पर नहीं झपटता है क्योंकि उसको जंगली जानवर नीचे अब इंसानी झपटते हैं। और मैं भी अपनी गाड़ी के बिल्कुल पास पास ही घूम रहा हूँ,
क्योंकि यार ऐसी लोकेशन पे ना ज़्यादा दूर जाना गाड़ी से बेकार ही है, तो आप समझ सकते हो। फिलहाल गाइस देखो ऐसा डरावना इलाका है, एक बार मैं आपको उस साइड भी लेके जाऊंगा जहाँ पे अटैक हुआ था, जहाँ पे वो बिल्कुल खींचा हुआ था, अगर वहाँ तक हमारी गाड़ी जा पाएगी तो हम अपनी गाड़ी लेके चलते हैं वहाँ पे। हालांकि वहाँ पे गाड़ी जाने का रास्ता जैसा तो दिख रहा है, बट देखते हैं वहाँ पे गाड़ी हमारी जा पाती नहीं जा पाती है। एक बार चलें रोशन भाई उधर साइड को भी जहाँ पे गाड़ी लेके चलते हैं, गाड़ी से जाएंगे उधर को तो ऐसे क्षेत्र में ना। फिलहाल देखो गाइस बसों में चल रहे हैं लोग, बिल्कुल शीशे बंद करके चल रहे हैं, यहाँ पे ऐसे चलना भी यहाँ पे अलाउ नहीं है क्योंकि कब कौन झपट जाए। पर हम अपने रिस्क में यहाँ पे निकले हैं और अपने रिस्क में यहाँ पे खड़े हैं तो समझ में आया। फिलहाल रोशन भाई बैठे गाड़ी के अंदर, वहाँ को लेकर चलते हैं गाड़ी को, देखते हैं वहाँ तक गाड़ी जा पाती नहीं जाती पाती है। अगर गाइस वहाँ पे लेकर चलते हैं आपको गाड़ी, अगर जा पाती तो हम जरूर वहाँ पे आपको दिखाएंगे कहाँ पे वो मेन टॉपिक होता है, वहाँ पे हम गाड़ी से बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे, बट यहाँ पे निकल के आपको दिखा रहे हैं रोड में। तो चलते हैं वहाँ पे और आपसे वहाँ मिलते हैं वहाँ पे। चलो फिर रोशन भाई।